वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स। बारिश के मौसम में इस पोटैटो बाइट्स को बनाएं और बच्चों के ये तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं। बच्चे इसको सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं एंड बड़े इसको चटनी के साथ। बहुत ही ज़्यादा आसान और सुपर रेसिपी है ये। एंड तक बने रहिएगा वीडियो में एंड मैं आपको एक एक स्टेप बताऊँगी किस तरीके से परफेक्ट आपको इसको फ्राई करना है, कितना फ्राई करना है एंड कब तक फ्राई करना है। जैसे हम नॉर्मली मकीन खाते हैं बस वो ही है ये। तो देख लेते हैं आज की रेसिपी पोटैटो बाइट्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए मैंने इस तरीके के यहाँ पे 5 बड़े आलू लिए हैं। ज़रूरी नहीं है बड़े ही लें, छोटे हों तो आप छोटे भी ले सकते हैं। तो इस तरीके के बड़े आलू ले लें और उसको वॉश कर लें आप इस तरीके से। उसके बाद देखिए मैंने इन आलूओं को रफली चॉप्ड कर लिया है। इस तरीके नॉर्मल जैसे आप लोग कट करते हो वैसे उस तरीके से कट कर लो। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। और 2 से 3 बार मैंने इनको धो लिया है अच्छे तरीके से, जिससे इसका एक्स्ट्रा स्टार्च जो है वो निकल गया। उसके बाद हमें क्या करना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही हम इसको पानी में वाटर में पड़ा रहने देंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। चलिए आगे का स्टेप देख लेते हैं। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे वाटर पहले से ही उबालने रख दिया था। उसी के बाद हम इसमें सारे आलूओं को ट्रांसफ़र कर देंगे इस बॉइलिंग वाटर में। और हाई फ्लेम पर हमें इस को आलूओं को बॉईल करना है। और हाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ, बस 30% हमें इसको बॉईल करना है। आप ज़्यादा बॉईल बिल्कुल ना करें, जब आप आगे का प्रोसेस करोगे इसमें तो वो बहुत ज़्यादा हलवा हो जाएंगे आलू। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, बस 30% तक हमें इन आलूओं को गलाना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हाइल मेकिंग दिस रेसिपी। सो मैं आपको दिखाती हूँ, देखें इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे हल्का एक यहाँ पे बॉईल आने में। देखिए मैं आपको बीच में दिखा रही हूँ, साइड्स जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल बीच में मिडिल में से हल्का सा हार्ड है। तो बस हमें इतना ही चाहिए। मैं आपको एक बड़ा पीस पे दिखाती हूँ, ये देखें। कहीं आप सोचें छोटा पीस तो गल गया होगा जल्दी, नहीं, लेकिन बड़ा भी हो चुका है। ये देखिए मैं आपको एक बार इंसर्ट करके दिखाती हूँ यहाँ पे फोक के। देखिए बिल्कुल परफेक्ट, अच्छे तरीके से सारे आलू जो हैं यहाँ पे बॉईल हो चुके हैं 30%। उसके बाद ये फ्लेम को हम करेंगे ऑफ और सारे इन बॉइल्ड पोटैटोस को निकाल देंगे एक बाउल में या प्लेट में किसी में भी। देखिए आप यहाँ पे सारे पोटैटोस मैंने अच्छे से निकाल लिए हैं। जब तक ये ठंडे होते हैं तब तक हम वेट करते हैं। तो आलू जो है वो अच्छे तरीके से ठंडे हो चुके हैं, ज़्यादा ठंडे नहीं बस हल्के ठंडे हो जाएं। उसके बाद देखिए ग्रेटर आप लोगों के पास होगा या चॉपर भी इसे कहते हैं, आप लें और सारे आलू को ट्रांसफ़र कर दें इसमें और हल्का सा दरदरा क्रॉसली आप इसको चॉप्ड कर लें। 2 से 3 बार चलाएं, ज़्यादा भी नहीं चॉप्ड करना है, बारीक नहीं करना, बस मीडियम रखना है। देखें कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने किया है बस इतना ही आप करें, तो उससे बहुत ही अच्छे क्रिस्पी पोटैटो टॉट्स बन के रेडी होंगे। सो देखें बस इस तरीके से दरदरा कर लें, बाकी के सारे आलूओं को भी इसी तरीके से कर लेंगे। सो सारे आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे चॉप्ड कर लिया है। उसी के बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून के करीब सॉल्ट। सॉल्ट इसमें कम ही जाता है, ज़्यादा नहीं जाता। साथ ही साथ ब्लैक पेपर मींस काले मिर्चों का पाउडर, साथ ही साथ ऑरिगेनो मैंने यहाँ पे ऐड करा 1.5 टीस्पून के करीब। और साथ ही साथ बारीक कटा हुआ फ्रेश कोरिएंडर लीव्स आप यहाँ पर ऐड करें। हरा धनिया जितना हो सके आप डालें, इंक्रीज करता है इसका टेस्ट। और आप इसको नमक और काली मिर्च के साथ भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऑरिगैनो आप डालें। या देखिए मैं इस पॉइंट पे चीज़ भी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहो तो आप इसमें डाल सकते हो, बाहर से क्रिस्पी होंगे अंदर से चीज़ी होंगे। 2 बड़े चम्मच के करीब मैं यहाँ पे ग्रेटेड चीज़ ऐड कर दूँगी। तो चीज़ सारी अच्छे तरीके से जा चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ मैदा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे सारा मिक्सचर अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स हो चुका है। कोई भी ब्रेड क्रम्स हमें डालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही बहुत ही अच्छी यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगी। देखिए मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ ये पोटैटो टॉट्स। देखिए हल्के हाथों से बस आप इस तरीके से लें, प्रेस करें और एक सिलेंड्रिकल शेप दें इसको।
देखिए कुछ इस तरीके से आप इसको यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में, ज़रूरी नहीं है आप इसको बॉल्स में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये शेप अच्छा लगा था तो मैंने इस बार ये शेप ट्राई किया। आपको जो पसंद हो शेप आप उसमें बना सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ओके सो देखिए आप इस तरीके से इसकी साइड्स जो हैं वो प्रेस करें, इससे अच्छा एक फाइन इसमें शेप आए। तो ये देख सकते हैं आप, अच्छे तरीके से सिलेंड्रिकल शेप आ गया है। बस इसी तरीके से सारे हम बना के रेडी कर लेंगे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। बस इसी तरीके से आप सारे बना के रेडी कर लो। तो चलो जल्दी से मैं आपको एक और दिखा देती हूँ बना के, कहीं आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि कैसे इसको बनाना है, तो मैं आप लोगों के लिए एक और दिखाती हूँ बना के। कुछ नहीं करना, हल्के हल्के हाथों से आप इसका सिलेंड्रिकल शेप दे दें और इसकी साइड जो है वो हल्की सी आप प्रेस कर दें। तो ये देखिए कितना आसान है इसको बना लेते हैं सारे, बाकी के सब रेडी कर लेते हैं इसी तरीके से। तो ये देखिए सारे पोटैटो टॉट्स मैंने अच्छे तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में तैयार कर लिए हैं इनको बना के, बहुत ही आसान इनको बनाना। और हाँ, सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था, जिससे एक अच्छा इसमें टेक्सचर बैलेंस हो गया, बाइंडिंग अच्छे से आ जाएगी, एक ना शेप पकड़ लेता है, इस मारे मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद ऑयल जो है वो मीडियम हॉट है हमारा, सारे एक एक करके हम इसमें पोटैटो टॉट्स ऐड कर देंगे। और आपको बिल्कुल भी छूना नहीं है, बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है इन पोटैटो टॉट्स को, अपने आप ही ये ऊपर आ जाएंगे। अगर आप बीच में इनको चलाओगे तो वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे सारे। ओके तो देखिए 4 से 5 मिनट के बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हो अपने आप ही ये पोटैटो टॉट्स जो हैं आप देख रहे हो ऊपर आ गए, ऊपर फ्लोट कर रहे हैं ऑयल के ऊपर, नीचे थे पहले और अब ऊपर आ गए। तो बस इस पॉइंट पर आप इस तरीके से हल्के हाथों से इसको चलाओ, जिससे इनकी साइड्स जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएँ, बिल्कुल भी अंदर से कच्चे नहीं रहें। जितना क्रिस्पी आपको करना हो आप उतना कर सकते हो। तो देखो अच्छा एक फाइन कलर आ गया है इसमें, मैंने इनको हल्का सा ज़्यादा गोल्डन ब्राउन किया है, जिसमें अच्छा एक क्रिस्प रहे। तो मैं देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, बहुत ही ज़बरदस्त। तो सारे पोटैटो टॉट्स जो हैं वो इस पॉइंट पर रेडी हो चुके हैं। अब फ्लेम को करेंगे बिल्कुल मीडियम, लो कर देंगे बिल्कुल, और सारे अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। तो देखिए कितना आसान था इनको बनाना। कभी भी आपके घर में गेस्ट आए हैं पहले से इनको बना के रख दें, फ्रोज़न कर लें, जिस पॉइंट में आपको शुरू में दिखाए थे सारे टॉट्स बना के, उसी तरीके से आप एयर टाइट डिब्बे में बॉक्स में डाल दें, फ्रीज में रख दें, फ्रोज़न हो जाएंगे वो मकीन की तरह। ये मकीन ही है, मकीन जो मिलते हैं वो ही हैं सेम, बस जब गेस्ट आने हों आपके घर में फटाफट से फ्राई कर लें इनको। तो बस सही तो बन के रेडी है, लेट्स स्प्लिट इट आउट। तो ये लीजिए सारे पोटैटो टॉट्स, क्रिस्पी पोटैटो टॉट्स हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। और देखें आपको इस तरीके से आप सॉस के साथ खाएं बच्चे और बड़े, इसको चटनी के साथ इंजॉय करें। इस बारिश के मौसम में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बारिश के मौसम में इस तरीके की रेसिपीज़ खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से, ये देखें कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं बाहर से, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड चीज़ी टू। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।